देखो आज हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम। बहुत खाने में टेस्टी लगती है, घर में बनती है झटपट और खाने में बहुत अच्छी लगती है। 2 कप हमारा व्हिपिंग क्रीम है, इसको हम ठीक होने तक बीट करेंगे। देखिए अच्छे से हमारा बीट हो चुका है। भी हमने 1 टिन इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, यानी मिल्क मेट पूरा 1 टिन। आधा कप हमने कोको पाउडर डाली है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से हम बीट करेंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। देखिए अच्छे से हमने कंडेंस मिल्क और कोको पाउडर को व्हिपिंग क्रीम में फिर से बीट किया है। अभी हमें फ्रिज में इसको 8-10 घंटे के लिए आइसक्रीम बनने के लिए छोड़ेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको फैलाया है टिन में। अभी इसके ऊपर एक हम पेपर रखेंगे क्योंकि फिर आइस नहीं बनेगी। उसके ऊपर रैपिंग पेपर से हम इसको कवर करेंगे। देखिए हमने रैपिंग पेपर से इसको कवर किया है, अच्छे तरीके से दबाकर चारों तरफ से आइसक्रीम हमारी बन चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा आइसक्रीम बन चुका है। अभी इस पर हम छोटे छोटे चॉकलेट आइसक्रीम है तो चॉकलेट छोटे छोटे डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।